पंजाब दे हालातों नूं बयान कर दियां, पंजाब दे इतिहास नूं बयान कर दियां। अगे भी अनेक ही फिल्मां बन चुकियां हन उस लड़ी के तहत पंजाब दे इतिहास नूं बयान कर दी। किसी की जीवनी ते पहली फिल्म बन रही है द मास्टरमाइंड जिंदा सुखा, तो उहदे विच पंजाबी इंडस्ट्री के ध्रुव तारे तरह चमकते हुए सितारे गुगू गिल जी जो इस फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। आओ आप उन्होंने इस फिल्म के किरदार बारे जानने की कोशिश करिए। सब तो पहले तुम जी आया कहने जी ते बड़ी मेहरबानी। असं ये पूछना चाहते भी जो ये फिल्म जिंदे सुखे की जीवनी बन रही ने उन्दे तुसी एक अहम किरदार निभा रहे हो जी, तो किरदार तुहाडा की है? उस दौर के जिहड़े सही किरदार सन उन्होंने फिल्म बन रही है। जिस तरह सुखा जिंदा तो तुसी कह रहे हो, उन्होंने होर भी कई ऐसे सिंह सन जिन्हों बारे लोग बड़ा घट जानते हैं। जो मैं किरदार कर रहा उसका नाम सी गामा पहलवान, वो वाकई पहलवान सी और उसका नाम भी गामा सी। वो दूसरिया नालों थोड़ा सीनियर सी और सानू ये रोल सूट करता सी, शायद इसलिए सानू चुने गया। अच्छी फिल्म बन रही है और खास तौर पर उस दौर की कहानी है जो एक दुखांत रहा अपनी कौम ते अपने पंजाब ते, वो बड़ा माड़ा दौर समझा जाता है। कौम ते बड़ी पीड़ सी, इस तरह की कहानी है। उस दौर नूं विखाया गया और सुखे जिंदे की असली कहानी। तुसीं इस तों पहलां भी एक जीवनी ते काम कर चुके हो, फिल्म ते जीवना मुड़ दे विच तुहाडा मुख करैक्टर रहा सी, ये भी सुखे जिंदे की जीवनी ते ही बन रही है। उस जीवनी दे विच ते इन्हां दी जीवनी दे विच किन्ना कु तुसीं फर्क समझदे हो? वो काफ़ी पुरानी कहानी है, वह भी सच्ची कहानी सी, इतिहास है उस दौर का, एक जिसनों डाकू बन ते मजबूर कर दिता गया सी हालातों ने। और ये है कि जब 84 का दौर आया तो जज्बाती जवान नौजवान धर्म की जब गल आई तो सारे ने गुस्से दे विच आके बदले की भावना नाल या अपने धर्म की हिफाजत लई असला चक लिया सी। ये उस दौर की कहानी है, दोनों का फर्क है थोड़ा, वो अलग है, अलग है। तुसी लंबे समय तो पंजाबी इंडस्ट्री ना जुड़े हुए हो, लगभग 15 सालों तुसी जो है पंजाबी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, उदों दे हालातों ते अज दे हालातों च पुराने आर्टिस्ट आए ते नवे अज दे एक्टरां दे च किन्ना कु फर्क है? मैं जी काफ़ी साल हो गए, 25 साल तो उत्ते हो गए मैनू इस इंडस्ट्री दे विच। आर्टिस्टां दा तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं हुंदा, क्योंकि एक्टिंग हमेशा तो पहला जो सी वो अज भी उस तरह, कहानियां दा जरूर फर्क है और टैक्नीक दा फर्क है। नवी टैक्नीक आ चुकी है, जानकार बंदे आ चुके है, टैक्नीक नाल जब शूट किया जाता तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होंगे। साड़ी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, बड़ी तरक्की ते अजकल। जो ये फिल्म सिंह ब्रदर प्रोडक्शन की है, उन्होंने बैनर की पहली फिल्म है, तो उन्होंने बहुत सेवा भावना बना रहे हैं कि तुसी भी उसे सेवा भावना इस फिल्म दे विच काम कीता है। जरूर जी, ये तो नहीं मैं कहता कि असी कुछ मेहनताना लिया ही नहीं, लेकिन सानू ख्याल जरूर इस गल का हमेशा रहा कि जो उन्हां दा जज्बा सी उहदा सत्कार किया जाए। पंजाब दे हालातों नूं बयान कर दियां बहुत फिल्मां बन चुकियां ते जिन्हां नूं पंजाब दे विच बैन कर दिता जांदा है, कि तुहानूं लगदा है कि ये सुखे जिंदे दी जीवनी ते बणी दी मास्टरमाइंड जिंदा सुखा बिना किसी कंट्रोवर्सी ते सेंसर तों पास हो जाए? ये मैनू पता नहीं जी कि सेंसर किस तरह लैंदा इस तरह दियां फिल्मां नूं, लेकिन सच्चाई ते दे आधार ते फिल्म है और किसी होर धर्म की कोई बेद भी नहीं की गई इस दे विच। इस गल दा असीं खास तौर पर ध्यान रखिया और अगाहू भी रखांगे। मेरे ख्याल दे विच दा कोई इहदे च बैन करन वाली चीज़ है नहीं, सच्चाई ते फिल्म है। जो कुछ उन्हां नाल होया जां उन्हां ने जो एक्शन किया वो दिखाया गया। पंजाब दे विच अज इक पंजाब नूं पंज दरियावां दी धरती कहा जांदा सी, पर अज इक छेवां दरिया नशियां दे वग रहा है, इस दे विच तुसीं किस नूं जिम्मेवार समझदे हो? देखो जी, जिम्मेवार तो बहुत सारे लोग होंदे भी है, लेकिन मैं समझदा कि वाकई नशा काफ़ी आ चुका है पंजाब दे विच, लेकिन जिन्ना प्रचार हो रहा है शायद उन्ना भी ना होवे। माड़े नशे है जिहड़े स्मैक या एक पाउडर जिन्हों चिट्टा चुट्टा कहिंदे आ, इस तरह के नशे बाहरों ही आए हैं,
ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਇਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।